आज का दिन नाज़रीन पाकिस्तान के लिए नाकाबिले तस्खीर दिफा का यादगार दिन है, क्योंकि 5 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों ने भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया था। और आज के दिन भारत के लिए रुसवाई का दिन भी है, क्योंकि आज ही के दिन पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 2 तैयारे गिराकर तारीख रकम की। सरप्राइज डे पर पाकिस्तानी चाय की प्याली आज भी अभिनंदन को याद होगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त डॉक्टर जियाउल हक शमसी साहब हैं, एयर कमोडोर हैं रिटायर्ड, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि टीज फैंटास्टिक भारत को मेरा ख्याल है कि शायद उस तरीके से सबक नहीं मिला जो अभी भी ओछी हरकतें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हमने क्वाड कॉप्टर गिराया है और ये 27 फरवरी इन लोगों को याद रहना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो याद तो होगा क्योंकि अभिनंदन ने भूलने तो नहीं दिया होगा, लेकिन ये हरकतें जो भारत गाहे बगाहे करता रहता है, आखिर इनका क्या मकसद क्या हो सकता है? अभी ये 26 फरवरी का ही वाक्य है जो बाकियात आज मिली है क्वाड कॉप्टर की। कुछ लोगों को आदत होती है अपने आप को और दूसरों को आजमाने की, और भारत भी हमारा कुछ इसी किस्म का पड़ोसी है जो गाहे बगाहे हमें आजमाता रहता है। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, फरवरी 2019, अभी से 5 साल का ही वक्त गुजरा है कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन गालिबन उसकी तसल्ली नहीं हुई और इसीलिए वो गाहे बगाहे ये हरकत करता रहता है, हमें आजमाता है कि हम तैयार हैं या नहीं। कुछ अरसे पहले ही मैंने अपने एक व्लॉग में उन्हें बताया था कि पाक फिजाइया अब आपसे 2019 के मुकाबले में बहुत आगे निकल गई है और पाक फिजाइया की मौजूदा क़यादत ने पाक फिजाइया को अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कम से कम 10 साल आगे कर दिया है। सही। जो नई एक्विजिशंस हमने की हैं उससे भारत अब बहुत पीछे रह गया। आपको याद होगा 2019 के बाद क्या नई एक्विजिशन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हमारे नाज़रीन के लिए आज के यादगार दिन पर? जरूर बताइए आसान लफ्जों में कि कहां हम उनसे 10 साल और किस मामले में आगे चले गए। मैं जरूर उसका जिक्र करूंगा और बस फौरन ही करूंगा, लेकिन पहले उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करना जरूरी है जिन्होंने 2019 की तैयारी की, बिल्कुल 2019 में परफॉर्म किया और उसके बाद से उस लेगेसी को लेके आज तक यहां पहुंचे हैं। 2019 27 फरवरी एक यादगार दिन था पाक फिजाइया का, जिसमें पाकिस्तान ने, न सिर्फ पाक फिजाइया ने, तमाम आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान ने एक पेज पे आके ये फैसला किया कि हमें भारत की जारहियत का जवाब देना है। ये बात कुछ 2500 साल पहले सुनजू ने, जो चाइनीज फिलोसफर थे बहुत बड़े, उन्होंने कह दिया था कि अगर फौज और हुक्मरान एक पेज पे नहीं है तो आप जंग करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। बिल्कुल। तो 2019 में पाकिस्तान ने यह साबित किया कि उस वक्त का सिविलियन हुक्मरान और अफवाज के तमाम हुक्मरान एक पेज पर थे और इसीलिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया कि अभिनंदन जाते जाते ये कह के गया कि टी इज फैंटास्टिक। और उस दिन पाक फिजाइया ने 2 जहाज तो खुद गिराए और तीसरा उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जो है वो फॉग ऑफ वॉर में गिरा लिया जिसमें उनके 6 बंदे सवार थे जी। तो इस तरह एक्चुअली उस दिन 3 जहाज गिरे थे। ठीक है, अच्छा अब आ जाए आप 2024 में। इस 5 साल के सफर में पाक फिजाइया ने बहुत लेसन सीखे और उसके बरक्स भारतीय फिजाइया ने उन लेसन्स को इग्नोर किया सिर्फ ये सोच के कि हमारे पास राफेल आ गए, S-400 आ गए, हाइपरसोनिक ब्राह्मोस आ गए, इसलिए हमने पाक फिजाइया को के खिलाफ अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और आपको याद होगा मोदी जी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा था कि अगर हमारे पास राफेल फरवरी 2019 में होते तो हम पाक फिजाइया को उसका सबक सिखा देते। राफेल आ भी गए, उन्होंने उनको ऑपरेशनलाइज भी कर लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पाक फिजाइया की आने वाली क़यादत ने
इस चीज को भांप लिया था कि राफेल आने के बाद, S-400 आने के बाद और हाइपरसोनिक की डेवलपमेंट के बाद भारत हमसे आगे निकल जाएगा, और उसकी तैयारी वो अपने तौर पे कर रहे थे। और जिसका इजहार अभी कुछ अरसा पहले 2 जनवरी को अपनी तकरीर में पाक फिजाइया के सरबराह ने आर्मी चीफ की मौजूदगी में ये ऐलान किया कि पाकिस्तान इंशाल्लाह JC-31 लेने जा रहा है। ये स्टेल्थ जेट फाइटर है जो हम चाइना से एक्वायर कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 साल से 1.5 साल के अरसे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग, डॉक्टर साहब, हम वक्त तैयार हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस तरह की, भारत जो बार बार ये इस तरह की हरकतें करता है, फिर उसको जगहसाई का जाहिर है सामना भी होता है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि भारतीय अफवाज के हवाले से मशहूर है कि बड़े ये लोग बुजदिल हैं, कमजोर हैं। आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें भारतीय फौजियों ने कहा कि जी हम खुदकुशी करना चाहते हैं, हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोग परेशान हैं, अरबों की आबादी है लेकिन इतनी कमजोर फौज है, और जो कुछ ये करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ उसमें भी इनके दांत खट्टे हो जाते हैं, ये पकड़े जाते हैं। तो अलमिया जो इनके अंदर आप महसूस करते हैं, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। अच्छा, और कमजोर समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दुश्मन को कमजोर समझेंगे तो शायद फिर हम उसकी तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो मैं उनको कमजोर या बुजदिल नहीं समझता, लेकिन मैं उन्हें ना अहल जरूर समझता हूं। इसमें फर्क है, और कमजोर और बुजदिल अगर आप कहना चाहें तो आप कह भी सकती हैं, क्योंकि मुसलमान के लिए मौत बरहक है और एक मुसलमान मौत को मुकद्दर समझ के और शहादत को अपने लिए एक दर्जा समझ के सीने से लगाता है। अब ये बात हिंदू रिलीजन में नहीं है, तो इसलिए अगर वो मौत से डरते हैं या मुजदिली दिखाते हैं तो इसमें उनका कसूर नहीं है, उनकी टीचिंग का कसूर है, उनकी फिलॉसफी का कसूर है, लेकिन मैं उसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता। सही। मैं ये समझता हूं कि वो ना अहल हैं और उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो एक मजबूत मुसलमान मुल्क का मुकाबला कर सकें, और इसीलिए और खास तौर पे पाक फिजाइया जिसकी तारीख है 1948 से लेके 1965-76 और उसके बाद 2019 पाक फिजाइया की एक तारीख है कि उन्होंने हमेशा भारतीय फिजाइया को के दांत खट्टे किए हैं, और वो बाकायदा फील्ड में किए हैं, हवा में किए हैं, जमीन पे किए हैं और हर डोमेन में किए हैं माशाल्लाह। सही। और आईना भी ऐसा ही इरादा रखते हैं। पाक फिजाइया की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मुकम्मल है कि अगर भारत अपने आने वाले इलेक्शंस के दौरान इस तरह की कोई मिसएडवेंचर दोबारा लॉन्च करता है तो पाक फिजाइया उसके लिए तैयार है, क्योंकि पाक फिजाइया इंशाल्लाह आइंदा 1 साल से 1.5 साल के अंदर अंदर इस रीजन में स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने दुश्मन के जितने भी नापाक अजायम है उससे बाखबर भी है और उसकी तैयारी भी भरपूर पाक फजाइया की जानिब से की जा रही है, जिसके अमली सबूत हमें नज़र भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साबिक एयर कमोडोर हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।